हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डेली आपकी 10 बजे से आपकी जो रीजनिंग की क्लासेस हैं एनबीएस की, वो आपकी स्टार्ट हो गई है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जो एनबीएस की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो इन क्लासेस को लेना मत भूले। अभी मैंने 2 दिन आपको एनबीएस का जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट मतलब एलडीसी का आपका पेपर जो है वो मैंने सॉल्व कराया था, और मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपके लिखे थे जो उसमें आए थे। अभी मैं उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन अभी उसके पहले मैं एनबीएस की जो फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसका भी मैं अभी रीजनिंग का मैं लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगा, और उसमें भी कुछ अगर ऐसा अलग से टॉपिक आता तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट एनबीएस फीमेल स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा हुआ है वो तुरंत अभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यहां पर रीजनिंग में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो आपके ला सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि भाई यहाँ पे लिया गया है वुड और ये है लॉग, और यहाँ पे डैश है लिखा हुआ है कॉटन, यहाँ पे क्या हो सॉरी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बॉल एक दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है पैकेट, तीसरा आपका दिया गया है स्ट्रिप, चौथा आपका दिया गया है ऑन्स। ठीक है, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए। तो भैया वुड से आपका क्या होता है, लॉग मतलब गट्ठा होता है, लकड़ी का से क्या बनता है, लट्ठा या गट्ठा टाइप का बनता है। तो कॉटन से आपकी क्या बन जाती है, कॉटन से आपकी बॉल बन जाती है। ठीक है, पेपर आपका दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं है इंग्लिश नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जिनके कोई कलीग्स वगैरह है उनको भी ये वीडियो जो है वो आप शेयर करें, जिससे उनको भी कहीं ना कहीं ये पता चल सके कि आपका क्या क्या एनबीएस फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका जरूरी रहता है। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाई ब्रेव, कॉवर्ड, क्रूअल। ठीक है, ये नेक्स्ट आएगा भैया। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, कॉवर्ड मतलब कायर होता है, क्रूअल मतलब क्या होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, अब 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, डिसिप्लिनेट, ठीक है, डिसपैशनेट, पैशनेट। सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया सेंटिमेंटल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया सेविज, फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपका काइंड। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो भैया क्रूअल निर्दयी होता है, तो निर्दयी क्या होगा, दयालु। अब डिसपैशनेट आपका होगा नहीं, सेंटिमेंटल मतलब भावुक होगा नहीं, सेविज आपका होगा नहीं, काइंड आपका हो जाएगा। काइंड आपका क्या होता है, दयालु होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का आपका दिया गया है। बाकी जो ये 2 क्वेश्चन थे ये आपके एनोलॉजी से रिलेटेड थे। अब इसके बाद जो सीटिंग अरेंजमेंट का है वो आपका क्या दिया गया कि कोई एक रो है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रो है कोई एक। ठीक है, और इसमें क्या है कि राजेश जो है वो आपका लेफ्ट से छठवां है, यहाँ से ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। राजेश लेफ्ट से क्या है, 6 नंबर पे है। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या कह रहा है कि भाई नरेश जो है वो राइट से 9th है। भाई 9th हमने कर दिया नरेश। ठीक है, नरेश 9th हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि जब दोनों की पोजीशन जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है कि राजेश जो है वो लेफ्ट से 19th हो जाता है। राजेश यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे राजेश कितना हो गया, 19वां हो गया। ठीक है, अब टोटल ये बताना है कि भैया रो में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि अभी तक मैंने एलडीसी का भी पेपर आपका कराया, अभी फीमेल स्टाफ नर्स का करा रहा हूं, तो जैसा मुझे ये लग रहा है कि आपका पेपर का पैटर्न रीजनिंग का बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, अभी तक मुझे सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे एलडीसी में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि टोटल स्टूडेंट्स आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है कि राजेश यहाँ छठवां था, यहाँ जैसे गया तो आपको 19वां हो गया, और कहाँ से हो गया, लेफ्ट से आपका जो है वो आपका 19वां हो गया। तो भैया ये देखेंगे कि 6 से यहाँ पे जब 19 हो गए तो टोटल कितने का गैप है, कितने लोग बीच में बैठे हुए हैं, टोटल 13 लोग आपके बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे 19वां हो गए, नरेश आपके क्या है, नरेश यहाँ पे 9वें नंबर पे था, तो इधर साइड नरेश के पहले कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग, तो 19 और ये 8 कितना हो गया, 27 आपका टोटल आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी करना है तो भी आपको इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप ये देखिए कि 19वां राजेश हो गया लेफ्ट से और नरेश जो है वो यहाँ 9वें नंबर पे था, इसके मतलब इधर साइड 8 लोग थे, तो यहाँ पे 19 और इधर साइड 8, टोटल आपके हो गए 27। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका लिखा हुआ है पेपर में, आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो जो मैं पेपर शेयर करूंगा उसी को एक बार आप देखते जाइएगा, और जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये दिया गया है कि एफ
एच जे के, ठीक है, ई आई आई एल, फिर आपका दिया गया है क्यू एस यू डब्ल्यू, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पी आर आर वी, पी टी टी एक्स, पी वी वी एक्स, आर टी टी वी। देखिए जब तक मैं लिखा करता हूँ तब तक आप कोशिश क्या करिए कि सॉल्व करने की, ठीक है। अगर आपका आंसर करेक्ट आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज मैं और बता दूं कि भाई अल्फाबेट को आप न्यूमेरिकल में याद जोड़ कर लीजिए, जैसे ए को आपको 1 होता है, बी को आपको 2 होता है, जेड आपका 26, वाई 25, इस तरीके से याद जोड़ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके रीजनिंग में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एफ हो गया, ठीक है, ये ई हो गया, तो ई एफ, ठीक है, एच आई, ठीक है, आई जे के एल, मतलब आपका सिक्वेंस क्या चल रहा है, इधर से पहले इधर, फिर एक इधर एक, मतलब प्लस वन आपका सबसे पहले आपका ये जा रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से माइनस वन जा रहा है, यहाँ से प्लस वन जा रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा क्यू, क्यू से पहले या इधर से, तो आपका क्या हो जाएगा पी क्यू एस टी, ठीक है, और टी यू और डब्ल्यू एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर पी टी टी एक्स, आपका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, मतलब पहले आपको एक इधर प्लस में आएगा, इधर से इधर आएगा, फिर इधर से एक इधर आएगा, फिर आपका इधर से फिर एक इधर आएगा, फिर एक इधर से इधर आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा जो आपका है वो आपका दिया गया है कि भाई 4058, 4058, ठीक है, 4267, ठीक है, फिर आपका दिया गया 1836। अब आपका ये बताना है कि यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, ऑप्शंस आपके दिए गए 8432, 2847, 8972, 5495, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, कई बार आपको ऊपर नीचे करके देखना भी पड़ता है कि आपका आंसर जो है वो किस तरीके से आ रहा है। ऐसे मान लो ये है, तो एक बार एडिशन करके देखते हैं, 8 5 13 4 17, यहाँ पे देखते हैं 7 6 13, तो 15 4 19 हो गया, 17 2 19 हो गया, ठीक है, यहाँ देखते हैं 6 3 9 9 8 17 1, यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है। अब इनमें से चेक करते हैं 7, जैसे 3 2 5 5 4 9 9 8 17, नहीं 18 से कम है, 7 से देखेंगे 7 4 11 और 8 19 19 और 2 21, ठीक है, यहाँ पे 21 हो गया। अब इस बार यहाँ देखेंगे 9 8 17 17 7 7 14 24 और 2 26, यहाँ पे आपका आ गया 5 4 9 9 9 18 5 23, आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें सिमिलरिटीज आपकी क्या दिख रही है कि जिस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, तो ये जो आपकी 17 है, इनको एडिशन करने पे ये 17 का अभाज्य संख्या आ रही है, और इसको अगर आप एडिशन करेंगे तो यहाँ पर भी एक क्या आ रही है, आपकी अभाज्य संख्या आ रही है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपकी यहाँ पे क्या आ रही है, 18 आ रही है, तो 18 जो होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है 3 और 6 से भी, ठीक है, 2 से भी आपका होता है। और सेम इसी तरीके से अगर आप इन सबको देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका 21 है, तो ये भी आपका 3 और 7 से आपका डिवाइड हो रहा है, तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर है वो आपका करेक्ट होगा। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपको सिमिलरिटीज जो आपको फाइंड करनी होती है, ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो आपका ये वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भाई 15 50 और 18, और आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आपको ऑप्शंस क्या है 90 75 60 और 80, फटाफट से आप करके बताइए कि आपका आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, बताइए, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड का टाइम है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने दिमाग ये लगाया होगा कि इसमें क्या नाम है, इसका मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करना होगा, अगर आपने ऐसा दिमाग लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि 15 × 3 कितना हो गया 45, अब इसमें क्या है कि 5 का जोड़ देंगे तो हो जाए 50, लेकिन ये 5 आएगा किधर से, ये 5 इधर से आएगा कि इसमें 3 का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का इससे डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसमें जोड़ेंगे। सिर्फ इसी प्रकार से 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 54 आ गया, और इसी 18 को मल्टीप्लाई के बजाय 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो 6 आएगा ये भी इसमें आपका ऐड हो जाएगा, तो आपको कितना हो गया 60 आ गया, तो आंसर आपका क्या हो गया 60, आपका आंसर जो है वो आपका आ गया। देखिए रीजनिंग इसको एक बार देख लीजिए, जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग सिर्फ आपका क्या है कि दिमाग का खेल है। रीजनिंग से क्या होता है, दिमाग जो होता है वो आपका बूस्ट होता है कि कितना आप सोच सकते हो कि ऐसा भी आपका
हो सकता है, ठीक है, जहां तक आपकी सोच जो है वो आपकी जाती है। अब एक आपको दिया गया कि भाई इसमें 4, 6, 7, 3, 9, 1, 3, 8, 0। देखिए जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एलडीसी पेपर देखा होगा उनको पता लग रहा होगा कि पेपर का पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अब इसमें ये बताना कि 9th और 8th की जो आपकी पोजीशन है उनके बीच में आपको डिफरेंस गैप करना है। तो भाई 9 है ये लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 4 0 लगा दिए, 8 यहाँ पे तो 8 ये 0 लगा दिए, तो 0, 2, 9, 8, 89, 120 आपका आंसर जो है 8, 9, 1, 2, 3, 4 8, 9, 9 आ रहा है। नहीं आई थिंक मेरे हिसाब से आपका 8, 9, 2, 0 आएगा। क्या दिया गया, 9 और 8 की पोजीशन के बारे में, 4 सॉरी यहाँ पे 4 आएंगे, 1, 2, 3, 4 0 है यहाँ पे, मैंने 3 लगा दिए हैं, ठीक है वही मैं कहूँ। तो आपका ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए जो मैंने अभी मिस्टेक करी वो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, सवाल सरल होता है लेकिन अक्सर स्टूडेंट वो कर देते, तो वो आपको मिस्टेक नहीं करनी। तो यहाँ पे 0, 2, 9, 9, 8 आपका ये कौन सा आंसर आ गया, ये वाला, मतलब आपका बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट होगा। अभी जो मैंने मिस्टेक करी है वो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि तो अक्सर हो जाती है फिर बाद के लगता है अरे इतना ईजी सवाल था, वो आपका गलत हो गया, ठीक है। पेपर में ये चीज आपको स्किप करनी है, ये ऐसी गलती मत कर पाए। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका फॉरेस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वुड्स, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है गार्डन, चौथा ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया है जंगल, ठीक है। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका बाकी 3 से डिफरेंट है, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, पेपर में आपका प्रेशर भी रहता है, तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा वाइजली सोचिए और जितना ज्यादा हो सके हर सवाल में कम टाइम दीजिए, जिससे बाकी पोर्शंस में आप अच्छा टाइम जो है वो आप दे पाए, ठीक है। अब इसमें फॉरेस्ट जंगल हो गया, वुड लकड़ी हो गया, गार्डन वो हो गया, जंगल आपका ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट में भी आपका क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है, वुड में आपका लकड़ी हो गई, गार्डन आपका हो गया बाग हो गया, जंगल आपका क्या हो गया पेड़ हो गया, ठीक है, जंगल मतलब जंगल हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखेंगे कि फॉरेस्ट में भी आपके पेड़ होते हैं, वुड वुड तो अलग रहता है, जंगल भी अलग रहता है, गार्डन में पेड़ वो होते हैं, तो आपका यहाँ पे वुड जो है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। देखिए है क्या कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको पेपर में जो आप देख रहे होंगे, तो उसमें आपका गार्डन जो है वो आपका सही किया गया है, लेकिन आपका वुड यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वुड आप खुद में ही एक लकड़ी होती है, बाकी हर जगह आपको कहीं के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर इसका वुड आएगा, जो आपका दिया गया है उसमें वो आपका गलत दिया गया है। लास्ट ईयर हुआ क्या था, ऑब्जेक्शन आप कई सारे स्टूडेंट ने उठाए थे, तो उनके मार्क्स भी इसमें आपको दिए गए थे, ठीक है। आपको चार, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये है कि आपका 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें आपको फिर यही बताना है कि आपका इनमें से कौन ऐसा है जो बाकी 3 से आपका डिफरेंट में आपका दिया गया है, ठीक है, RTVX, ठीक है। अब इसमें देखिए के आपका 11, 14, 15 और 2, 17, ठीक है, B, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, नेक्स्ट आपका 18, 20, 22 और 24। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2-2 का सिक्वेंस बन रहा है सब में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, सिक्वेंस वाले आपको इसी तरीके से करने होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, तो इसमें भाई ब्लड रिलेशन का आ गया कि भैया राशिद एक लड़का है, राशिद एक लड़का है जो कि क्या है कि राशिद इज गुलशन फादर से सिस्टर से सिस्टर से ओनली सन से एंड सन से। अब देखिए किस तरीके से आपको करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। देखिए राशिद जो है वो गुलशन के पिताजी, ठीक, गुलशन के पिताजी की बहन, पिताजी की यहाँ पे हो गई बहन, ठीक है, बहन के बेटे का बेटा, बहन का यहाँ पे एक बेटा है, ठीक है, और उसका बेटा जो है वो आपका राशिद है। तो इसमें कहा गया है कि भैया राशिद, हाउ इज राशिद फादर रिलेटेड टू, राशिद के जो पिताजी हैं वो गुलशन के पिताजी से आपके किस तरीके से रिलेटेड है। तो भैया देखिए ये क्या हो गया, ये गुलशन के पिताजी हो गए, ठीक है, पिताजी की ये बहन हो गई, वो बहन का बेटा हो गया। तो भैया ये बेटा मतलब क्या हो गया, ये बेटा हो गया और ये आपका वो हो गया, तो आपका क्या हो गया, एक तरीके से रिलेशन जो हो गया वो आपका अंकल का आपका हो गया, ठीक है। अंकल मतलब आपका क्या हो गया कि ये जो है ये इनको मामा कहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लड़का है वो क्या होगा, उनकी बहन का लड़का, बहन का लड़का मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है कि मामा के रूप में आपका आ जाता है। तो एक तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, अंकल आपका दिया गया है, नेफ्यू आपका दिया गया है, ठीक है,
कजिन आपका दिया गया है और सन है। देखिए सन तो होना नहीं है, कजिन भी होना नहीं है, नेफ्यू जो है भतीजा तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंकल जो है वो आपका हो जाएगा। राशिद के जो पिताजी हैं वो राशिद के जो पिताजी हैं वो आपके गुलशन के पिताजी से क्या रिलेट करेंगे, अंकल के रूप में आपका रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके स्टेटमेंट का है, क्या दिया गया है कि ऑल बुक्स आर नॉवेल, ऑल बुक्स आर नॉवेल। ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है सम पोएम्स और नॉवेल आर नॉवेल्स। ठीक है, अब आपके कंक्लूजन आपके दो दिए गए हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम नॉवेल्स आर बुक्स है, सम नॉवेल आर बुक्स। ठीक है, सेकंड आपका जो कंक्लूजन है सम नॉवेल्स आर पोयम, नॉवेल्स आर पोयम। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आपके कौन कौन से कंक्लूजन जो है वो आपके सही है। तो भैया इनको किस तरीके से करने, वेन डायग्राम बनाइए। ऑल बुक्स आर नॉवेल, तो जितनी भी बुक्स हैं ये मान लीजिए, हमने बुक्स मान ली अंदर वाली, सॉरी ये आपका हो गया नॉवेल। तो आर बुक्स आर नॉवेल, सम पोएम्स आर नॉवेल, तो कुछ जो पोएम है वो आपकी नॉवेल है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, पोयम। तो एक चीज ध्यान रखिए कि हो सकता है कि कुछ पोयम अगर नॉवेल हो तो हो सकता है कि कुछ पोयम जो है वो आपकी बुक्स भी आपकी होगी। ठीक है, अब देखिए इस कंक्लूजन का है कि सम नॉवेल्स आर बुक्स, तो भैया सारी बुक्स नॉवेल है तो कुछ नॉवेल बुक्स तो होंगी होंगी, तो पहला आपका सही हो गया। सम नॉवेल्स आर पोयम्स, तो भैया कुछ पोयम जो है नॉवेल है तो कुछ नॉवेल जो है वो आपकी पोयम भी होगी, तो ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो मतलब आपके दोनों कंक्लूजन जो है वो आपके करेक्ट है। अब इसमें अगर पूछ कह दिया जाता है कि कुछ बुक्स जो है वो आपकी पोयम है, तो ये आपका हो, ये बात हो भी सकता है, और क्या नाम है, हाँ ये आपका हो जाता है, ये भी आपका जो है कुछ बुक्स जो है अगर आपकी पोयम अगर कह दिया थी तो ये भी आपका कंक्लूजन करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि सारी बुक्स जो है वो आपकी नॉवेल है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए कंक्लूजन स्टेटमेंट में आपका क्या रहता है कि कंफ्यूजन कई बार आपकी हो जाती है, तो ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए एक आपका हो गया क्लेरिकल एप्टीट्यूड का आपका एक आता है जो बहुत ही आपका सरल आपका होता है। अगर आप पेपर देख रहे होंगे तो उसमें आपका क्या है कि किसी चीज का आपको एड्रेस दिया होता है और नीचे आपको सेम उसी पैटर्न में आपको फाइंड करना होता है कि भाई किस एड्रेस में आपकी गलती की गई है कि नहीं की गई है। इस सवाल का देने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जितना ज्यादा हो सके आपका टाइम वेस्ट किया जाए। तो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आपको एरर जो है वो फाइंड करनी है, आपको समय ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो बाकी सवाल आपका सरल रहता है लेकिन आप कोशिश करिएगा, वो आपका लंबा है काफी, उसमें सिर्फ चेक ही करना होता है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें आप पूछिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सवाल दिया गया कि भैया 12 × 4 = 120 है। ठीक है, फिर आपका है 14 × 5 = 171। नेक्स्ट आपका दिया गया है 16 × 7 = ये। अब आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 1122, दूसरा है 207, तीसरा है 256, चौथा आपका है 169। अब आपको बताने में यहाँ पे क्या आएगा, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, आप एक बार सॉल्व करिए और खुद बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, साफ साफ जैसा कि आप देख रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जैसा कि दिख भी दिया 12, 4, 12, 8, 14, 5, 17, 1। ठीक है, आपको 16, 7 यहाँ पे बताना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो 12 और 4 आपको दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 4 का आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पे क्या होगा, 12 × 4 = 16। ठीक है, अब 16 में क्या हो जाएगा कि 12 में 4 अगर जोड़ दिया तो 16 हो गया, 12 में 4 अगर घटा देंगे तो आपका क्या हो गया, 8 आ गया। तो 16 × 8 आपका क्या बन गया, 128 बन गया। अब 14 और 5 में 14 और 5 = 19, और 14 में से 5 घटा देंगे तो आपका क्या होगा, 9, तो आपका क्या होगा, 171। 16 और 7 में 16, 7, 7 = 13, 23, और 23 और 16 में से 7 ये आपका 9। ठीक है, तो 23 में भैया आपका कितना हो जाएगा, 207। ठीक है, तो आपका लगभग आपका इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है, हाँ सेकंड वाला 207 ये वाला आपका है।
211, 222, 256 जो है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं यार मतलब सवाल देखा तो हो गया, होता क्या है सारी चीजें प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है कि जिस टाइम का सवाल आपके सामने आता है आपका दिमाग ऑलरेडी, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी ऑलरेडी वो बता देगा कि इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो इसमें लगनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें आपकी क्या होती है प्रैक्टिस बेस्ड पे आपकी रहती है। अब इसको इसमें क्या करना है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नहीं सॉरी इसमें आपको अरेंज करना है कि किस तरीके से आपका रहता है। अब दिया गया है कि भैया एडोल स्टेंट, ठीक है, इन्फेंट, फिर आपका दिया गया है न्यूबॉर्न, एडल्ट, फिर आपका है टोडलर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हिंदी में आपका ये आपको दिया गया न्यू, देखो एडोलसेंट मतलब होता है कि अभी जो उसमें रहता है कि मतलब एक अभी मतलब 9-10 साल की जो एज में रहता है इन्फेंट, अभी मतलब जो इन्फेंट मतलब जो नवजात होता है, न्यू बॉर्न मतलब नया बॉर्न हुआ, एडल्ट मतलब युवावस्था, टोडलर मतलब होता है बीच की एज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि चारों में अगर आप इनमें बताना है कि भाई स्वीकृत में आपको रखना है और स्वीकृत में किस तरीके से आपको रखना है, छोटे से बड़े के रूप में रखना है, तो भैया छोटे से बड़े के रूप में रखने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले क्या होता है कि न्यू बॉर्न आपका होता है। तो यहाँ पे अगर नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो पहला क्या हो गया न्यू बॉर्न आपका बच्चा नया पैदा होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका होता है इन्फेंट, ठीक है, पैदा हुआ फिर आपका इन्फेंट आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका क्या रहेगा कि इन्फेंट के बाद आपका क्या होता है आपके किस एज में आ जाता है, एक आपकी टोडलर एज में आपकी जो है वो आपका आ जाता है, ठीक है, टोडलर एज में आपका आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि टोडलर के बाद आपका जो होता है वो आपका आती है एडोलसेंट, तो यहाँ पे एक आ गया, फिर आपका आता है एडल्ट, ठीक है। तो ये आपका छोटे से बड़े में आपका जो है वो आपका सिक्वेंस में अरेंज हो गया। अगर बड़े से छोटे में कहता है तो आपका क्या हो जाता है चार एडल्ट हो जाता, एडल्ट के बाद आपका एडोलसेंट हो जाता, फिर पांचवें नंबर पे आपका टोडलर आ जाता, ठीक है, पांच आ जाता, फिर आपका दो हो जाता, फिर आपका तीन हो जाता। तो बड़े छोटे से बड़े में ये, बड़े छोटे में ये, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको किस तरीके से आपको पूछता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, ये एक तरीके से आपका उसको ऑर्डर किया। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गांव, जिला, कस्बा, परिवार, समुदाय, इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन था वो उसी तरीके उसी बेस का आपका क्वेश्चन जो है वो आपका है। बस ये जो है वो इंग्लिश में दिया गया है, पेपर आपका दोनों में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब इसके बाद आपका दिया गया कि भैया फॉर्मूला वन रेशर, फॉर्मूला वन रेशर, इसका कोड आपका दिया गया है 482, और दूसरा है क्या है गॉड एज वन, इसका आपका दिया गया है 253, और इसके बाद दिया गया है कि रोज एज पिंक, इसका आपका दिया गया है 983 आपका दिया गया है। अब इसमें गॉड का बताना है, भैया बहुत ज्यादा सिंपल है, देख ये सबसे पहले आप देखिए भैया गॉड है कहाँ कहाँ पे, तो भैया गॉड जो है वो इसमें है और बाकी कहीं नहीं है, तो गॉड का जो है वो कंपेरिजन करो, इसमें गॉड के अलावा बाकी दो चीजें क्या है इज और वन, तो इज और वन देखो कहाँ कहाँ पे, तो इज यहाँ पे है और वन जो है यहाँ पे, तो पहले इसको इसको कंपेरिजन करेंगे, जो कॉमन आएगा वो इज का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है इज आपका कॉमन है, तो इज इज कॉमन करेंगे तो लगभग इसमें 2, 5, 3 है, 9, 5, 3 है, तो इसमें 3 कॉमन है तो 3 बराबर क्या हो गया इज हो गया। अब इन दोनों में करेंगे तो इसमें 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, तो 482 है, 253 है, तो मतलब दो दोनों में कॉमन है तो 1 बराबर 2, तो भैया 2 और 3 आपके निकल गए, बचा क्या आपका 5 नंबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार पूछ ले दोबारा से, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वहां से आपको हेल्प भी मिल जाएगी। अब इसके बाद हमारा दिया गया है कि भाई इसने ये बताना है कि मेटाफोरिकल METAPHORICAL मेटाफोरिकल आपको इसमें दिया गया है। अब इसमें चार वर्ड आपको दिए गए हैं, पहला आपका दिया गया है मोरल, दूसरा आपका दिया गया है टोटल, तीसरा आपका जो दिया गया है वो आपका दिया गया है मेटल, ठीक है, चौथा आपका दिया गया है होटल। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनसे नहीं बन रहा है, तो सबसे पहली चीज है जैसे सवाल आपका सामने आता है आपको सीधा ये देखना है MORAL, फटाफट MORAL ये है बेटा, फिर नेक्स्ट आ गया टोटल TO, फिर आ गया टी है नहीं है, ये आपका करेक्ट हो गया, तो ये वाला जो है आपका
जो है वो आपका वर्ड जो है ये इससे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना, ज्यादा ज्यादा मेरे हिसाब से 3 से 4 सेकंड का आपका टाइम जो है वो आपका लगा होगा। तो इस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करना है, जितना ज्यादा स्पीड से आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि अरे यार स्पीड से सॉल्व करने में गलत हो सकता है कई बार, तो वो गलत अगर होना होगा तो कॉमन अगर आप सॉल्व भी करोगे तो भी आपसे गलत हो जाता है, आराम से भी आप चाहे करो तो भी आपका गलत हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपका गलत जो है वो आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें इंट्रोड्यूस एक गर्ल टू हर नेबर, एक नेबर को इंट्रोड्यूस कराई, ये मान लो लड़की है और ये कहा कि ये जो है दिस इज सोनू, ये जो है आपकी सोनू है, सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर सिसन, ये जो है ये डॉटर है किसकी, मेरी मदर, ठीक है, ऑफ माई मदर्स सन, मदर का सन, और इसके बाद आप कह रहे हैं सन्स ओनली सिस्टर, सन्स की ये आपकी सिर्फ एक सिस्टर है और सिस्टर की ये जो है ये आपकी बेटी है, ठीक है। मतलब क्या कहा, अनु ने इसको कहा कि ये जो है ये मेरी माँ के आपका बेटे की आपकी इकलौती बहन की आपकी बेटी जो है वो आपकी ये है। अब इसके बाद बताना है कि भैया अंजू जो है वो उस लड़की को आपको किस तरीके से इंट्रोड्यूस आपकी करा रही है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि भैया वो जब कह रहे कि भाई मम्मी के लड़के की इकलौती बहन, ओनली सन ओनली लिखा हुआ है ओनली सिस्टर, तो ये इकलौती बहन आपकी क्या हो गई, अंजू हो गई। क्यों, क्योंकि अंजू जो है वो खुद एक लड़की है और जब इकलौती की बात आ गई तो भैया सिर्फ अंजू ही इकलौती होगी, ठीक है। और इकलौती अगर ये है तो फिर ये जो है आपकी इसकी बेटी आपकी क्या हो गई, सोनू हो गई। तो किस तरीके से आप रिलेट कर रही है, मदर के थ्रू, कि भैया सोनू की जो मम्मी है वो आपकी क्या है, अनु है, ठीक है, अंजू है, ठीक है। बात समझ में आ गई, यही समझ में आई, ठीक है। इस तरीके से आपको जो सवाल है वो आपको करने होते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया 59 नंबर की, भाई आपको चार चीजें दी गई हैं, क्यू यू आई वी ई आर, ठीक है, क्यू यू आई डबल टी ई आर, फिर आपका दिया गया है क्यू यू आई ई टी, फिर आपका है क्यू यू आई टी, ये चार दिए गए, चारों में ये बताना है कि आपका जो सेकंड नंबर पे है वो आपका किस तरीके से आएगा अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट तौर पे आपका करें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्यू यू आई क्यू यू आई क्यू यू आई क्यू यू आई दिया गया है। अब देखेंगे इसके बाद इसमें वी है, इसमें टी है, इसमें आपका ई है और इसमें भी आपका टी है, तो ये आपका पहले नंबर पे आ गया। अब टी टी वाले देखे वी तो बात किया आएगा, तो ये तो आपका सबसे लास्ट चौथे नंबर पे रहेगा, टी इसमें है, टी इसमें है, तो टी के बाद इसमें टी आ रहा है, इसमें आपका ई आ रहा है, तो ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। तो आपका सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, क्वाइट जो है वो आपका सेकंड नंबर पे आपका आएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो सवाल है, टोटल 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो टोटल लास्ट सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि मीर जो है, ठीक है, आपका क्या है, लैला से आपका जो है लम्मा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि केसर जो है, ठीक है, वो जो है केसर, वो जो है, ठीक है, केसर वो आपका नीलोफार से क्या है, लंबा है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि जावेद जो है वो उतना लंबा नहीं है इमरान, जावेद जो है वो इमरान से उतना लंबा नहीं है लेकिन नीलोफार से जो है वो आपका लंबा है, मतलब जावेद जो है इससे इतना लंबा नहीं लेकिन इससे जो है वो आपका नीलोफार से लंबा है। आप क्या कह रहे हैं, लैला इज द ओनली एज टॉलर एज नीलोफार, लैला जो है सिर्फ उतनी है जैसा कि आपका नीलोफार जो है वो आपको उतने ही बराबर आपकी लैला जो है वो आपका है। अब बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा छोटा है, मतलब डेफिनेटली छोटा है, बाकी जो फ्रेंड्स जो है वो उनमें आपके दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि भैया मीर जो है वो आपका लैला से लंबा है, किशन जो है नीलोफार से है, जावेद जो है वो नीलोफार से लंबा है लेकिन इमरान के लगभग लगभग बराबर है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि भाई ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, किससे लंबा है, ये तो नीलोफार से लंबा है और ये जो है ये आपका इसके लगभग लगभग इक्वल है, तो ये भी एक तरीके से इससे लंबा होगा। अब इसमें सबसे छोटा कौन बचा, सबसे छोटा बचा आपका नीलोफार, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लैला जो है वो लगभग लगभग नीलोफार के बराबर है, तो भाई इसमें ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 2% पूछा गया है, तो आपका लैला भी आपका इसमें आएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा लैला और आपका नीलोफार, ठीक है। तो आप करके हो गए आपके करेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फीमेल स्टाफ नर्स का एमबीएस का आज पेपर रिवीजन का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, जो आपके जेएसए के टॉपिक से जो आपके लास्ट ईयर अभी लास्ट वीडियो मैंने आपके एलडीसी का जो पेपर सॉल्व कराया था सेम वही टॉपिक्स है, कुछ भी ऐसा टॉपिक्स नहीं मुझे मिला है जो आपका अलग से उससे अलग से आया हो, ठीक है।
तो लगभग उन्हीं टॉपिक्स पे हम अभी चलेंगे। तो अब कल आपका जो है वो मैं ऑडिट असिस्टेंट का सॉल्व कराऊंगा, तो जिन्होंने ऑडिट असिस्टेंट का फॉर्म भरा है वो फटाफट से कल वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और जितने भी लोगों ने फीमेल स्टाफ नर्स का भरा हुआ है, जो भी आपके कलीग्स वगैरह हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कहीं ना कहीं उनको इससे हेल्प जो है वो आपकी मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट साथ। बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक आपको जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, कुछ सवाल है तो वह भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।